माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूं। शुरू में ही मैं एक समय थोड़ा समय लेना चाहती हूं, जिनको महामारी की वजह से मैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करती हूं, जिनको नुकसान झेलना पड़ा है और अर्थव्यवस्था की वसूली परिलक्षित होती है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूती से उभरी है। चालू वित्त वर्ष में 9.2% की दर से जो सभी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें हमारी अर्थव्यवस्था भी एक काफी महत्वपूर्ण स्थान है। मैं मानती हूं कि ओमिक्रॉन की का हमने दंश झेल रहे हैं और इसके आगे जिस गति से और वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है उससे काफी लाभ मिला है और इससे जो पिछले 2 वर्षों में काफी अधिक जो है सुधार हुआ है और हम इस चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सबके प्रयास से हम मजबूती से अपनी विकास यात्रा को जारी रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम भारत 100 पर पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भारत 100 के दृष्टिकोण को निर्धारित किया है और अब हमारी सरकार का उद्देश्य अमृतकाल में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करके उस दृष्टिकोण को पूरा करना है। अमृतकाल में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं: सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना है, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनेटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना है, सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना है। वर्ष 2014 से हमारी सरकार नागरिकों, विशेष रूप से गरीबी तथा हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर जोर देती रही है। इन उपायों से उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया जिसमें लोगों को घर, बिजली, रसोई गैस तथा पानी मिला है। वित्तीय समावेशन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए भी हमारे कार्यक्रम हैं। हम गरीबों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी अवसरों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार मध्य वर्ग, जिनमें मध्यम आय के विभिन्न समूहों के व्यापक और विस्तृत वर्ग शामिल हैं, को उनकी इच्छा अनुसार अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें आवश्यक माहौल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस बजट में भारत 75 से भारत 100 तक के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए बुनियाद तैयार करने और उनकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है। इसमें 2021-22 के बजट में तैयार किए गए दृष्टिकोण को जारी रखा जाएगा। इसके मूलभूत सिद्धांत में वित्तीय विवरण, राजकोषीय स्थिति की पारदर्शिता शामिल है। इसमें सरकार के इरादे, ताकत और चुनौतियों को दर्शाया गया है। यह हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। गत वर्ष के बजट में की गई पहल में काफी प्रगति हुई है और उनके लिए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त आवंटन किए गए हैं। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना, महामारी की मौजूदा लहर के प्रति राष्ट्रव्यापी प्रतिरोधक क्षमता स्पष्ट रूप से दिख रही है, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता सम्मत प्रोत्साहन को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसमें 60 लाख नई नौकरी सृजित करने और अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सृजित करने की क्षमता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम संबंधी नई नीति लागू करने के संबंध में एयर इंडिया के रणनीतिक स्वामित्व हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के राजनीतिक साझेदार का चयन कर लिया गया है और LIC के सार्वजनिक निर्गम के जल्द ही आने की संभावना है। 2022-23 में अन्य के संबंध में भी प्रक्रिया आरंभ की
की जाएगी। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक नेफेड और राष्ट्रीय आस्ती पुनर्निर्माण कंपनी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट 2021-22 में सार्वजनिक निवेश या पूंजीगत व्यय के प्रावधान में बहुत अधिक वृद्धि की व्यवस्था की गई थी। पूरे वर्ष के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके क्रियान्वयन का मार्गदर्शन किया है। इससे हमारे आर्थिक उत्थान को अत्यधिक लाभ मिलता रहा है। इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया जाना जारी रखा गया है। इसके लिए अमृतकाल, जो भविष्य के अनुरूप और समावेशी है, जिससे हमारे युवा, महिलाएं, किसान, अनुसूचित जनजाति को सीधे फायदा पहुंचेगा, और दूसरा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो 100 सालों के भारत के लिए होगा, और इससे बड़े सार्वजनिक निवेश समानांतर व्यवस्था की गई है, और इसे पीएम गतिशक्ति द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसे बहुविध दृष्टिकोण के साथ समन्वय से फायदा होगा। इस समानांतर ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए हम निम्नलिखित 4 प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं: पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उद्यमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, और चौथा निवेशों का वित्त पोषण। पीएम गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति है। इस पद्धति का संचालन 7 इंजनों से होता है, जो कि इस प्रकार है: सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पतन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। ये 7 इंजन एक साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। इन इंजनों की सहायता करने में ऊर्जा पारेषण, आईटी संचार, भारी मात्रा में जल और जल निकास तथा सामाजिक अवसंरचनाएं अपनी पूरक भूमिका अदा करती है। अतः इस उपागम को स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों का मिला जुला प्रयास होता है, ये शक्ति मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी तादाद में नौकरियां पैदा हो सकती हैं और सभी के लिए, विशेष तौर पर युवकों के लिए, उद्यम के अवसर पैदा हो सकते हैं। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना में आर्थिक परिवर्तन के 7 इंजन निर्बाध बहुविध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक क्षमता दक्षता शक्ति है। इसमें गतिशक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होंगे। इसका ध्यान प्लानिंग, नमूनमेशी तरीकों से वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अधिक तेजी से क्रियान्वयन पर केंद्रित होगा। राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के साथ जोड़ी जाएंगी। मास्टर प्लान की खासियत विश्व स्तरीय आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों और वस्तुओं दोनों के मूवमेंट के विभिन्न माध्यमों, परियोजनाओं के लोकेशन के बीच लॉजिस्टिक्स समन्वय करना होगा। इससे उत्पादकता को बढ़ाने, आर्थिक वृद्धि और विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेस मार्ग के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा, ताकि लोगों और वस्तुओं को अधिक तेजी से मूवमेंट हो सके। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर जोड़े जाएंगे। वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का संपूर्ण किया जा सके। वस्तुओं और लोगों का निर्बाध बहुविध मूवमेंट, सभी माध्यमों के ऑपरेटरों को डाटा एक्सचेंज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए अभिकल्पित एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।
इससे विभिन्न माध्यमों के जरिए वस्तु कुशल मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स, लागत और समय कम करने, यथासमय इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सहायता करने, उबाऊ दस्तावेजीकरण को दूर करने में मदद मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण, इसमें सभी हितधारकों को रियल टाइम सूचना उपलब्ध होगी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। यात्रियों की निर्विघ्न यात्रा के लिए सामान को लाने ले जाने के लिए ओपन स्रोत की सुविधा भी दी जाएगी। वर्ष 2022-23 में पीपीपी पद्धति में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ करने के लिए संविदाएं की जाएंगी। रेलवे पार्सलों में निर्विघ्न आवाजाही की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डॉक और रेलवे को जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ रेलवे छोटे किसानों, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पाद और कार्यकुशल लॉजिस्टिक सेवाएं विकसित करेगा। स्थानीय कारोबार आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक स्थान एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा, जो कि सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा, जो कि ऊर्जा क्षमता और यात्रियों के सुखद अनुभव की दृष्टि से बेहतर होगा। अगले 3 वर्ष के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर यथोचित प्रकार के मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए वित्त पोषण, इसके तीव्र क्रियान्वयन के नए तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधा प्रदान की जाएगी। मेट्रो सिस्टम के डिजाइन, जिसमें सिविल स्ट्रक्चर भी आते हैं, में पुनः सुधार किया जाएगा। उसको भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार मानक स्तर पर बनाया जाएगा। जैसा कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हों, उसको वरीयता दी जा रही है। पीपीपी मोड के अंतर्गत एक राष्ट्रीय रूपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार लाना है और आने जाने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करना है, जो कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के अलावा इसमें सघन आबादी वाले ऐसे शहरी क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा, जहां की परंपरागत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था संभव नहीं है। वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाएं, जिनकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी, के लिए ठेके दिए जाएंगे। अवसंरचना परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण, क्षमता निर्माण आयोग की तकनीकी सहायता से केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उनकी इंफ्रा एजेंसियों की कार्य क्षमता में सुधार आएगा। इससे पीएम गतिशक्ति अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, फाइनेंसिंग और क्रियान्वयन प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। समावेशी विकास, रवि 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा। और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इससे फसलों प्रांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कदन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी। और तिलहनों के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत और व्यापक योजना चलाई जाएगी। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए
पीपीपी मोड में एक योजना शुरू की जाएगी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों के साथ साथ निजी एग्रीटेक प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स जो कि एग्री वैल्यू चेन के होंगे शामिल होंगे। कृषि फसलों का आकलन करने, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, कीटनाशकों का छिड़काव करने, पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपनी कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन कर सकें, जिससे कि प्राकृतिक जीरो बजट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। मिश्रित पूंजी युक्त एक कोष जो कि सहनिवेश मॉडल के अंतर्गत तैयार किया होगा के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप्स जो कि कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए संगत होंगे को वित्त पोषित करना है। इन स्टार्टअप्स के क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा एफपीओ की सहायता, कृषि स्तर पर किराया आधार पर किसानों को विकेंद्रीकृत मशीनरी उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी जिनमें आईटी आधारित समर्थन शामिल है कार्य आएंगे। 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इन परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4,300 करोड़ रुपए, 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, ड्राफ्ट डीपीआर 5 रिवर लिंक्स दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी के ड्राफ्ट अंतिम रूप दे दिए गए हैं। एक बार लाभ अनुभोगी राज्यों में इस पर सहमति हो जाएगी तो केंद्र सरकार इनके कार्यान्वयन के लिए सहायता जारी करेगी। उन किसानों के लिए जो फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्म को अपनाने के लिए और उत्पादन और फसल कटाई को यथोचित तकनीक का प्रयोग करने के लिए किसानों की सहायता हेतु हमारी सरकार राज्य सरकारों की भागीदारी से एक व्यापक पैकेज तैयार करेगी। एमएसएमई, उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा, इनके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। अब ऐसे पोर्टल के रूप में काम करेंगे जिनमें लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस होंगे और ये G2C, B2C और B2B सेवाएं प्रदान करेंगे। इन सेवाओं को क्रेडिट सुविधा, कौशल विकास और भर्ती से जोड़ा जाएगा और इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को और अधिक सरल बनाना और सभी के लिए उद्यम परक अवसर बढ़ाना होगा। एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत जरूरी और अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इससे उनको इस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से राहत मिलने मदद मिलेगी। हॉस्पिटैलिटी और इससे संबंधित सेवाओं, विशेषकर जो कि सूक्ष्म और लघु उपक्रमों के द्वारा दी जाती हैं, को अभी भी महामारी के पूर्व के स्तर तक अपने कारोबार को ले जाना है। इन संदर्भों पर विचार करने के पश्चात ECLGS को मार्च 23 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। और जो हॉस्पिटैलिटी और इससे संबंधित उपक्रमों के लिए अनन्य रूप से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTMSE स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा और अपेक्षित धन लगाया जाएगा। इससे 2,00,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस को 6,000 करोड़ रुपए के 5 वर्षों में प्रोग्राम को से शुरू किया जाएगा और इससे एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक प्रतिशोधन क्षमता से युक्त प्रतिस्पर्धात्मक और सक्षम बनाया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों के लिए भागीदारी को नई दिशा दी जाएगी जिससे कि कुशलता के आयामों को लगातार बढ़ाया जाएगा और इनसे स्थायित्व और रोजगार की क्षमता भी बढ़ेगी। और जहां तक डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड EDHS टेक ई पोर्टल का सवाल है, इसको भी शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को इस प्रकार से सशक्त बनाना है कि वे ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सकें, फिर से हासिल कर सकें और अपनी कुशलता का उन्नयन कर सकें। इसके तहत ड्रोन शक्ति को अलग अलग एप्लीकेशंस के माध्यम से सेवाओं के लिए तैयार किया जाएगा। जहां तक सारे राज्यों में कुछ ITI का संबंध है और उसके तहत अनेक अपेक्षित पाठ्यक्रमों को शुरू किया जाएगा। इस महामारी से बाध्य होकर स्कूल को बंद किए जाने के कारण हमारे बच्चे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले और जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हमारे छात्र हैं, उनको 2 वर्षों की औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा। अधिकतर ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हम अनुपूरक शिक्षण दिए जाने और शिक्षा हेतु एक उत्थानशील तंत्र तैयार करने की जरूरत को स्वीकार करते हैं। इस उद्देश्य से एक क्लास एक टीवी चैनल कार्यक्रमों को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सभी राज्यों को अनुपूरक शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी जो क्षेत्रीय भाषाओं में 1 से लेकर 12 कक्षा तक छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को स्थान देने के लिए वर्चुअल पाठ्यक्रमों और समकालीन शिक्षण प्रवेश के लिए 15 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी और ये ई कंटेंट के माध्यम से किया जाएगा और अध्यापकों को सशक्त किया जाएगा कि वह शिक्षण के माध्यम से अच्छी शिक्षा इनको उपलब्ध करा सकें। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ताकि छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो सके पूरे देश में और विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्व सुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह अलग अलग भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और IT फॉर्म्स में होगी और जो विश्वविद्यालय है वह हमारे नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा जिसमें हब भवन अत्याधुनिक ICT विशेषज्ञता से युक्त होंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे। जहां तक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा, इसमें चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान, कंसेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। इस महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ा दी है। गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच को स्थापित करने के लिए एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसमें
23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क होगा, जिसमें NIMHANS का एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। नारी शक्ति को हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक अग्रदूत के रूप में महत्व दिए जाने की बात को स्वीकार करते हुए इस अमृतकाल के दौरान हमारी सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय की योजनाओं को पुनर्जीवित किया है। तदनुसार 3 योजनाएं यथा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा, जिससे कि महिलाओं और बच्चों को समेकित लाभ मिल सके। सक्षम आंगनवाड़ियां नई जनरेशन की आंगनवाड़ियां हैं, जिनके तहत बेहतर बुनियादी सुविधा और श्रव्य व दृश्य सहायता मौजूद है और उनको स्वच्छ ऊर्जा से संपन्न भी किया जाएगा, ताकि बच्चों के प्रारंभिक विकास में सहायता मिल सके। 2,00,000 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में उन्नत किया जाएगा। हर घर नल से जल के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है, जिसमें 2 वर्षों से नल का पानी उपलब्ध करवाया गया है 5.5 करोड़ परिवारों को। 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ताकि 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जा सके 2022-2023 के दौरान। 2022-23 में 80,00,000 मकान बनाए जाएंगे, जो पीएम आवास योजना के अभिज्ञात व पात्र लाभ अनुभोगी होंगे। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस उद्देश्य के लिए किया गया है। केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मध्यम आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, और जो भी गरीब लोग हैं शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं उनके लिए भी हम काम करेंगे। हम वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कि पूंजी सुलभ हो सके और मध्यस्थता पर आने वाले खर्च में कमी की जा सके। एक नई योजना प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इस नाम की एक नई योजना चलाई जाएगी उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से। इसमें पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप उत्तर पूर्व की जरूरत के अनुसार बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। इससे युवकों और महिलाओं के अलग अलग क्षेत्रों में जो आजीविका संबंधी क्रियाकलाप हैं उनको सुलभ कराया जा सकेगा और अंतर को पाटा कर जाएगा। और कोई भी केंद्रीय राज्य सरकार या हमारी जो केंद्र सरकार है, यह वर्तमान योजनाओं का विकल्प नहीं होगी, जबकि केंद्रीय मंत्रालय अपनी परियोजनाओं को ला सकते हैं। 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची में अनुबंध 1 में, जो कि मेरे अभिभाषण में दी गई है। देश के अत्यंत दुर्गम और पिछड़े जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का हमारा जो स्वप्न था, वह महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम बहुत कम समय में ही साकार हो गया है। 95% जो 112 जिले हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रगति हुई है। 3 क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना। उन्होंने यहां तक कि कुछ राज्यों को पीछे कर दिया है जहां तक इन सुविधाओं का संबंध है। हालांकि इन जिलों के कुछ ब्लॉक्स अभी भी पिछड़े हुए हैं। 2022-23 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन जिलों के ऐसे ही ब्लॉक्स पर ध्यान दिया जाएगा। सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित हैं, विकास के लाभ से जो वंचित रह गए हैं, उत्तरीय सीमा के ऐसे ही गांवों को इस नए वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
यहाँ के क्रियाकलापों में गांव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों, सड़क संपर्क, विकेंद्रित नवीकरण ऊर्जा की व्यवस्था है, दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम एक्सेस की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता दी जाएगी। इन क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान योजनाओं को एक में मिला लिया जाएगा। हम उनके परिणामों की विवेचना करेंगे और उनको लगातार मॉनिटरन भी करेंगे। 2022 में 100% 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन संभव होगा और नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा। यहाँ मोबाइल बैंकिंग होगी और एटीएम की सुविधा भी होगी और डाकघर के खाते से बैंक खाते के बीच बैंक का और पैसे का ऑनलाइन अंतरण भी हो जाएगा। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटर ऑपरेबिलिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन की सुविधा उपलब्ध होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक जैसे अभिनव कार्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, जिससे कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ यूजर जो देश के कोने कोने में फैले यूजर फ्रेंडली ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए और अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष मनाते हुए यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जो कि पिछले बजट के लिए था, वह 2022-23 में भी जारी रहेगा और इससे हमें डिजिटल पेमेंट्स को और अधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके तहत पेमेंट प्लेटफॉर्म के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने पर ध्यान दिया जाएगा, जो इकोनॉमिकल और यूजर फ्रेंडली होता है। महोदय, मैं अगली बात पर अब बढ़ती हूँ। हमने हाल ही के वर्षों में देखा है कि 25,000 से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया गया है और 1,486 संघीय कानूनों को खत्म कर दिया गया है। हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता को दर्शाती है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की यह सरकार की जो मजबूत प्रतिबद्धता है उसको दर्शाती है। इसके तहत हमने काम किया है और हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा लोगों में विश्वास है उसको हमने यहाँ दर्शाया है। अब जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण को शुरू किया जाएगा। हम पूंजी की उत्पादक क्षमता और मानव संसाधन में सुधार लाने के लिए अपने प्रयास में राइट टू नो के स्थान पर राइट टू नो के सिद्धांत का और साथ ही साथ विश्वास आधारित शासन के सिद्धांतों का पालन करेंगे और इसमें आईटी सेतुओं के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तरीय व्यवस्था के संयोजन, नागरिक केंद्रित सुविधाओं के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस और मानवीकरण तथा पारस्परिक व्यापक अनुपालन के समापन में निर्धारित होगी, ताकि हम इन सभी सुविधाओं को ठीक किया जा सके और इसके लिए हम नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा सहायता लेंगे। महोदय, एक सिंगल विंडो पोर्टल परिवेश जो कि सिंगल विंडो पोर्टल था, इसे 2018 में शुरू किया गया था। इससे अनुमोदन के लिए अपेक्षित समय में पर्याप्त कमी की जा सकी है। इस पोर्टल के दायरे को अब और बढ़ाने का हमने विचार किया है, जिससे कि आवेदक जानकारी प्राप्त कर सके, इकाइयों की अवस्थिति के आधार पर विशेष प्रकार के अनुमोदनों के बारे में जानकारी दी जाएगी और 4 जो अप्रूवल होते हैं उसे एक फॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन सीपीसी ग्रीन के माध्यम से ट्रैकिंग की जा सकेगी। ई पासपोर्ट जारी
किए जाने लगेगा, जिसे एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके 2022-23 में किया जा सकेगा, जिसे नागरिकों को अपने विदेश की यात्रा करने में और अधिक सुविधा होगी। जब भारत 100 साल का हो जाएगा तो इसकी संभावना यही है कि हमारी आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी। इस स्थिति के लिए तैयार होने के लिए एक सुव्यवस्थित शहरी विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इससे देश की आर्थिक क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा, जिसमें जनसांख्यिकी लाभांश के लिए आजीविका संबंधी अवसर भी आते हैं। इसके लिए हम मेगा सिटीज के पोषण की जरूरत है। आसपास के क्षेत्रों को आर्थिक विकास के वर्तमान केंद्रों के रूप में विकसित करने की जरूरत है। दूसरी ओर हमें टायर 2 और टायर 3 शेष शहरों में सुविधा प्रदान किए जाने की जरूरत है, जिससे कि भविष्य के लिए इनको एक बाह्य कवच के रूप में तैयार किया जा सके। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपने शहरों को जीवन के दीर्घकालिक रास्तों के केंद्र के रूप में देखें, जिसमें सभी के लिए, विशेषकर महिला और युवकों के लिए अवसर उपलब्ध हो। ऐसा होने के लिए शहरी नियोजन का सामान्य दृष्टिकोण का चलाना संभव है, और इसके लिए हम ऐसे कुछ संगठनों का गठन करेंगे जो कि शहरी क्षेत्रों में क्षमता विकास, नियोजन, कार्यान्वयन और प्रशासन के बारे में सिफारिश करेगा। शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। भवन संबंधी उपनियमों के आधुनिकीकरण, टाउन नियोजन योजनाएं, परिवहन उन्मुखी विकास लागू किया जाएगा। इससे जन परिवहन व्यवस्थाओं के साथ लोगों के रहने और निकटता से कार्य करने संबंधी सुधार होंगे। सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं और अमृत योजनाओं के लिए दी जाने वाली केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता का लाभ टीओडी और टीपीएस के माध्यम से राज्यों को किया जाएगा। जहां तक भारत का विकास करने के लिए और शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत विशिष्ट ज्ञान विकसित करने और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 5 मौजूदा शैक्षिक संस्थाओं को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में अभी चिन्हित किया जाएगा। इन केंद्रों को प्रत्येक के लिए 250 करोड़ रुपए की दाय निधि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम गुणवत्ता सुधारने तथा अन्य संस्थाओं में शहरी नियोजन पाठ्यक्रमों की सुलभता के लिए अग्रणी की भूमिका निभाएगी। हम शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के रूपांतरण को बढ़ावा देंगे। इसे स्वच्छ तकनीकी और शासन समाधानों, विशेष शून्य जीवाश्म ईंधन नीति और ईवी वाहनों के साथ आवागमन जोन द्वारा संपूर्ण किया जाएगा। बैटरी अदला बदली नीति, बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए एक बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी तथा अंतर प्रचालनीय तैयार किए जाएंगे। निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी अथवा ऊर्जा के लिए धारणीय और नव परिवर्तनकारी व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी पारितंत्र की प्रभावकारिता में सुधार होगा। भू संसाधनों का प्रभावी उपयोग एक सख्त अनिवार्यता है। राज्यों को अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन को सुकर और कारगर बनाने के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अनुसूची 8 की भाषाओं में से किसी में भू अभिलेखों के लिप्यांतरण संबंधी सुविधा भी शुरू की जाएगी। एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण सॉफ्टवेयर के साथ नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंगीकरण अथवा लिंकेज को रजिस्ट्रीकरण के लिए समरूप प्रक्रिया और विलेखों और दस्तावेजों के कहीं भी रजिस्ट्रीकरण को एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, समाधान प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाने तथा सीमा पार दिवाला समाधान को सुकर बनाने के लिए इस संहिता में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। त्वरित
कॉरपोरेट समापन, नई कंपनियों के त्वरित रजिस्ट्रीकरण के लिए अनेक आईटी आधारित तंत्र स्थापित किए गए हैं। अब पुनर्विन्यास प्रक्रिया के साथ त्वरित कॉरपोरेट समाधान समापन के लिए केंद्र इन कंपनियों के स्वैच्छिक परिसमापन को सरल और कारगर बनाने तथा गति देने के लिए मौजूदा 2 वर्ष के समय को 6 माह तक बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाएगा। सरकारी खरीद। हाल ही में सरकारी नियमों को अमृतकाल की आवश्यकताओं के लिए आधुनिक बनाया गया है। नए नियमों को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुटों से लाभ मिला है। आधुनिक बनाए गए नियम जटिल टेंडरों के मूल्यांकन में लागत के अलावा पारदर्शी गुणवत्ता मानदंडों के उपयोग को अनुमति देते हैं। चालू बिलों के 75% के भुगतान हेतु अनिवार्य रूप से 10 दिन के भीतर और समझौते के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। पारदर्शिता को बढ़ाने तथा भुगतानों में विलंब को कम करने एक अगले कदम के रूप में एक पूर्णतः कागज रहित एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम को अपनी खरीदों के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा। यह सिस्टम आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिलों और दावों तथा कहीं से भी अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया जाएगा। सप्लायरों और कार्य ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करने के लिए बैंक गारंटी के लिए एक विकल्प के रूप में प्रतिभू बॉन्डों को सरकारी खरीदों में स्वीकार्य बनाएगा। व्यवसाय जैसे स्वर्ण आयात भी इसको उपयोगी पा सकेंगे। IRDAI ने बीमा कंपनियों द्वारा प्रतिभू बॉन्डों को जारी करने के लिए रूपरेखा बनाई है। ABGC प्रोत्साहन कार्यबल। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावना प्रदान करता है। एक ABGC संवर्धन कार्यबल सभी हितधारकों के साथ इसे प्राप्त करने तथा हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण के लिए तौर तरीकों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया जाएगा। दूरसंचार क्षेत्र। सामान्य रूप से दूरसंचार और विशेष रूप से 5G प्रौद्योगिकी समृद्धि और रोजगार अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। अपेक्षित स्पेक्ट्रम नीलामियों को निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5G मोबाइल सेवाओं के आरंभ को सुकर बनाने के लिए 2022 में निष्पादित किया जाएगा। डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के भाग के रूप में 5G के लिए एक मजबूत पारितंत्र बनाने के लिए लॉन्च की जाएगी। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सेवा बाध्यता निधि के तहत वार्षिक संग्रह के 5% तक आवंटित की जाएगी। इससे प्रौद्योगिकियों और समाधानों के अनुसंधान और विकास तथा वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। हमारा विजन यह है कि सभी ग्राम और उनके निवासियों को ई सेवाओं की समान पहुंच, संचार सुविधाएं और शहरी क्षेत्रों और उनके निवासियों के रूप में डिजिटल संसाधन प्राप्त होने चाहिए। दूर दराज के क्षेत्र सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए संविदाएं वर्ष 2022-23 में PPP के माध्यम से भारत नेट परियोजना के तहत ठेके दिए जाएंगे। इसके 2025 में पूरा हो जाने की संभावना है। ऑप्टिकल फाइबर के बेहतर तथा अधिक प्रभावी उपयोग को समर्थ बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे। निर्यात संवर्धन।
विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नए विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा जो राज्यों को उद्यमों और सर्विस हबों के विकास में भागीदार बनने के लिए समर्थ होंगे। इसमें उपलब्ध अवसंरचना को इष्टतम रूप से उपयोग करने तथा निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सभी बड़े मौजूदा और नए औद्योगिक एनक्लेव शामिल होंगे। रक्षा में आत्मनिर्भरता। हमारी सरकार निर्यातों को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजीगत खरीद बजट के 2021-22 में 58% से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68% तक उत्कृष्ट किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास कार्य उद्दृष्टि। रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के 25% के साथ उद्योगों, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योगों को SPV मॉडल के माध्यम से DRDO और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों के डिजाइन और विकास निष्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय को व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाएगा। उदीयमान अवसर। कृत्रिम सतर्कता, भू स्थानिक तंत्र और ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसका पारितंत्र, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जेनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ आवागमन तंत्रों में बड़े पैमाने पर धारणीय विकास की सहायता करने तथा देश को आधुनिक बनाने की भारी संभावना है। ये युवाओं के लिए रोजगार अवसर प्रदान करते हैं तथा भारतीय उद्योग जगत को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। सहायक नीतियां, सरल विनियमों, घरेलू क्षमताओं के निर्माण के लिए सुविधा परक कार्यों और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने जैसे कार्यों से सरकार के दृष्टिकोण को दिशा निर्देशित किया जाएगा। इन उदीयमान अवसरों में अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सार्वजनिक संस्थाओं के बीच सहयोग के प्रयासों के अलावा सरकारी अंशदान प्रदान किया जाएगा। ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परक कार्य। जलवायु परिवर्तन के जोखिम सबसे बड़ी बाहरी नकारात्मकताएं हैं जो भारत तथा अन्य देशों को प्रभावित करती हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत नवंबर में ग्लासगो में संपन्न हुए COP26 शिखर सम्मेलन में कहा था, आज किसकी आवश्यकता है यह ध्यान देने योग्य है और अविवेकी तथा विनाशकारी उपभोग की बजाय उपयोग पर विचार करना है। पंचामृत में यथा प्रतिपादित निम्न कार्बन विकास रणनीति को उन्होंने घोषित की, धारणीय विकास के प्रति हमारी सरकार की दृढ़ कटिबद्धता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। यह रणनीति रोजगार के बड़े अवसर खोलती है और देश को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाएगी। तदनुसार इस बजट में अनेक अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य प्रस्तावित हैं। सौर ऊर्जा। 2030 तक संस्थापित और क्षमता के 280 GW के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए घरेलू विनिर्माण को सुविधा प्रदान करने के लिए सौर PV मॉड्यूलों के लिए पॉलीसिलिकॉन से पूर्णतः समेकित विनिर्माण एककों के लिए प्राथमिकता के साथ उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वृत्ताकार अर्थव्यवस्था। वृत्ताकार अर्थव्यवस्था संक्रमण के उत्पादकता बढ़ाने तथा नए व्यवसायों तथा रोजगारों के लिए बड़े अवसर सृजित करने में सहायता करने की संभावना है। 10 सेक्टरों जैसे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, वाहनों की अवधि समाप्ति, प्रयुक्त तेल अपशिष्ट और विषैले और घातक औद्योगिक अपशिष्ट के लिए कार्य योजनाएं तैयार हैं। अब अवसंरचना, प्रतिलोमी संभार तंत्र, प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनौपचारिक क्षेत्र के साथ एकीकरण के मुद्दों के समाधान पर ध्यान दिया जाएगा। इसे विनियमों
मनो और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रूपरेखा और नव प्रवर्तनकारी सुविधाकरण को कवर करते हुए सक्रिय जन नीतियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा। पांच से सात प्रतिशत बायोमास पेलेट को थर्मल पावर प्लांटों में जलाया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 38 एमएमटी कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। इससे किसानों को अतिरिक्त आय होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और हम खेतों में पराली को जलाने से भी बच जाएंगे। ऊर्जा की बचत ऊर्जा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, अतः ऊर्जा एफिशिएंसी तथा बचत उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे बड़े वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा सेवा कंपनी कार्य मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। यह क्षमता निर्माण एनर्जी ऑडिट के लिए जागरूकता कार्य निष्पादन संविधा तथा सामान्य माप एवं सत्यापन प्रोटोकॉल के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा। उद्योग के लिए कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जो तकनीकी तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य होंगी। कृषि वानिकी तथा निजी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत तथा अपेक्षित विधायी परिवर्तन किए जाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो कृषि वानिकी करना चाहे के किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं चौथी प्राथमिकता पर जा रही हूं, सार्वजनिक पूंजी निवेश। पूंजी निवेश अपने प्रवर्धन प्रभाव के जरिए त्वरित एवं संघारीय आर्थिक पुनरुत्थान एवं समेकन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पूंजी निवेश से रोजगार के अवसरों का सृजन करने में बड़े उद्योगों एवं एमएसएमई के से विनिर्मित निविष्टियों के लिए बढ़ी हुई मांग का उत्प्रेरण करने में मदद मिलती है और बेहतर कृषि और संरचना के माध्यम से इससे किसानों को भी मदद मिलती है। ने उच्च ग्रोथ के साथ महामारी के प्रभावों से बाहर निकलने की दृष्टि से अत्यंत सशक्त समुत्थानशीलता दर्शाई है। हालांकि हमें 2020-21 में आई गिरावट की भरपाई करने के लिए उस स्तर को बरकरार रखने की जरूरत है। जैसा कि पहले पैरा 5 में बताया गया है, निवेश के कारगर चक्र को निजी निवेश की ओर प्रेरित करने के लिए सरकारी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। इस स्तर पर निजी निवेशों के लिए यह जरूरी जान पड़ता है कि उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था की जरूरत को पूरा करने के लिए सहायता की जरूरत है। सार्वजनिक निवेश को आगे बढ़ाए बने रहने की जरूरत है और 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ाना भी जरूरी है। उपर्युक्त जरूरतों को देखते हुए एक बार फिर केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। अभी यह चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 35.4% की बढ़ोतरी करके 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह 2019-20 के व्यय से 2.2 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। 2022-23 में यह परिव्यय जीडीपी का 2.9% होगा। कारगर पूंजीगत व्यय। राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान के साथ साथ निवेश के चलते केंद्र सरकार का कारगर पूंजीगत व्यय 2022-23 में अनुमानतः 10.68 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, जो कि जीडीपी का लगभग 4.1% जीडीपी का होगा। ग्रीन बॉन्ड्स। 2022-23 में सरकार द्वारा
ली जाने वाली सभी बाजार उधारियों के सिलसिले में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे, जिनसे हरित और संरचना के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। इससे प्राप्त धन को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में सहायक हों। GIFT विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को GIFT शहरों में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित में अपने पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाएगी और केवल IFSCA द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को छोड़कर इन्हें घरेलू विनियमों से मुक्त रखा जाएगा। इससे सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के लिए उच्च स्तर के मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। GIFT शहरों में अंतर्राष्ट्रीय विवाचन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के अनुसार विवादों का समय पर समाधान किया जा सकेगा। देश में सतत एवं माहौल के अनुरूप वित्त पोषण के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने के लिए आवश्यक सेवाएं GIFT शहरों में दी जाएगी। डेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम वाले डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को अवसंरचनाओं की हार्मोनाइज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इससे डिजिटल अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा भंडारण के लिए क्रेडिट सुलभ हो सकेगा। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया था, जिससे स्टार्टअप और विकास के एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस प्रकार के निवेश को बढ़ाने के लिए इनके विनियामकों और अन्य प्रकार की बाधाओं की समग्र रूप से जांच परख किए जाने की जरूरत है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो इस तरह की जांच परख करके उचित उपाय सुझाएगी। सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त फंड्स NIIF और फंड्स के सिडबी फंड से अत्यधिक पूंजी प्राप्त हुई है, जिससे बहुआयामी प्रभाव देखने में आया है। प्रमुख उद्यमान क्षेत्रों जैसे कि क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक, डिजिटल इकोनॉमी, फार्मा और एग्रीटेक को बढ़ावा देने के लिए सरकार सम्मिश्रित वित्त पोषण के लिए उद्देश्य परक धन उपलब्ध कराएगी, जिसमें सरकार का हिस्सा 20% तक सीमित होगा और कोष का प्रबंधन निजी कोष प्रबंधकों के द्वारा किया जाएगा। अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीय संभावनाओं, अवसंरचना की जरूरतों के वित्त पोषण के लिए यह जरूरी है कि सरकारी निवेश में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी भी मिलाई जाए। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के साथ साथ दूसरी परियोजनाओं की वित्तीय संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से तकनीकी और ज्ञान परक सहायता प्राप्त करने के साथ साथ आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इनकी वित्तीय संभावना को बढ़ाने के लिए विश्व के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाना होगा, वित्त पोषण के नए रास्ते अपनाने होंगे तथा संतुलित जोखिम परक आवंटन किया जाना होगा। डिजिटल रुपया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को चालू करने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष और सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था देखने में आएगी, इसलिए ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डिजिटल रुपये को चालू करने का विचार है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और इसकी शुरुआत 2022-23 से होनी है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता। सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को जाहिर करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है, जिससे कि वे उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन और लाभप्रद रोजगार पैदा करने के लिए अपने पूंजी निवेश को बढ़ा सके। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना का सभी राज्यों ने बहुत ही जोरदार ढंग से स्वागत किया है। मुख्यमंत्रियों और राज्य वित्त मंत्रियों के साथ हुई मेरी बैठक में मिले अनुरोधों को सम्मान देते हुए
चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत बजट अनुमान में रखे गए 10,000 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय को संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए मैं इस वाक्य को फिर से दोहराती हूं। मुख्यमंत्रियों और राज्य वित्त मंत्रियों के साथ हुई मेरी बैठक में मिले अनुरोधों को सम्मान देते हुए चालू वर्ष में सूचना के अंतर्गत बजट अनुमान में रखे गए 10,000 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय को संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के लिए राज्यों की मदद करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अलावा हैं। ये जो ऋण राज्यों को दिए जाते हैं वो सामान्य कर्ज के अलावा हैं। इस प्रकार के आवंटन का प्रयोग पीएम गति शक्ति से जुड़े निवेशों और राज्यों के अन्य उत्पाद परक पूंजी निवेश में किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित से संबंधित घटक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्राथमिकता वाले हिस्से के लिए पूरक वित्त पोषण जिसमें राज्यों के हिस्से के लिए सहायता भी शामिल है। अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण जिसमें डिजिटल पेमेंट और ओएफसी नेटवर्क को पूरा किए जाने के बाद भी शामिल है। और भवन संबंधी उपनियमों, नगर नियोजन स्कीमों, ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास और अंतरनीय विकास अधिकार से संबंधित सुधार हैं। वर्ष 2022-23 में 15 वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होंगे। इसके लिए शर्तों को पहले ही 2021-22 में बता दिया गया है। राजकोषीय प्रबंधन बजट अनुमान 2021-22 में दिखाए गए 34.83 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय के एवज में संशोधित अनुमान 37.70 लाख करोड़ रुपए कर रखा गया है। पूंजीगत व्यय का संशोधित अनुमान 6.03 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें एयर इंडिया की बकाया गारंटी शुदा देनदारियां और इसकी अन्य विविध प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 91,971 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। बजट अनुमान की ओर देखा जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय 2022-23 में कुल व्यय अनुमानतः 39.45 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है, जबकि उधारी से भिन्न कुल प्राप्तियां अनुमानतः 22.84 लाख करोड़ रुपए की हुई है। चालू वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः माननीय अध्यक्ष महोदय 6.9% है, जबकि बजट अनुमान में इसे 6.8% अनुमानित किया गया है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः 6.4% है, जो कि राजकोषीय मजबूती के उस मार्ग के अनुरूप भी है जिसकी मैंने पिछले वर्ष घोषणा की थी। कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% के नीचे ला दिया जाएगा। 2022-23 के राजकोषीय घाटे के स्तर को निर्धारित करते समय मैं सरकारी निवेश के माध्यम से प्रगति के पोषण की जरूरत के प्रति सजग हूं, जिससे कि हम और मजबूत और टिकाऊ बन सके। अब मैं अपने भाषण के भाग ख को पढ़ती हूं। प्रत्यक्ष कर, माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं इस अवसर पर देश के सभी करदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने अत्यधिक सहयोग दिया है और जरूरत की इस घड़ी में अपने साथी नागरिकों की सहायता करके सरकार के हाथों को मजबूत किया है। महोदय, मैंने एक महाभारत से उद्धरण लिया है। मैं चाहूंगी कि जो भाषण है उसको अधिक समय दिया जाए, लेकिन उसका जो भावार्थ है वो है कि राजा को किसी भी सरकार की ढिलाई न करते हुए और धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों के योगक्षेम कल्याण के लिए अवश्य व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ये महाभारत में शांति पर्व अध्याय 72 श्लोक 11 है। अपने प्राचीन ग्रंथों से ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हमने प्रगति के पथ पर चलना जारी रखा है। इस बजट के प्रस्तावों का अभिप्राय स्थिर और जानी पहचानी कर व्यवस्था की हमारी घोषित नीति पर कायम रहते हुए और अधिक ऐसे सुधारों को लाना है जो एक विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने की हमारी संकल्पना को आगे बढ़ा सके। यह कर प्रणाली को और भी अधिक सरल बनाएगा, करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा। नई अद्यतनीकृत विवरणिका चलन शुरू करना। भारत तीव्र गति से बढ़ रहा है और लोग एक से अधिक वित्तीय लेनदेन कर रहे हैं। आयकर विभाग ने करदाता के अंतरणों की रिपोर्टिंग का एक सशक्त ढांचा स्थापित किया है। इस संदर्भ में कुछ करदाताओं को यह महसूस हो सकता है कि उन्होंने कर अदायगी के लिए अपनी आमदनी का ठीक ठीक आकलन करने में चूक या गलतियां की हैं। ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका देने के लिए मैं अतिरिक्त कर की अदायगी करके अद्यतन विवरणी दाखिल करने के लिए करदाताओं को अनुमति देने के एक नए प्रावधान का प्रस्ताव कर रही हूं। यह अद्यतन विवरणी संगत निर्धारण वर्ष के अंत से 2 वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में यदि विभाग को यह पता चलता है कि निर्धारिती द्वारा कुछ आमदनी को दर्शाया नहीं गया है तो वह न्याय निर्णयन की लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। उसके बजाय अब इस प्रस्ताव से करदाताओं में भरोसा जगेगा जिससे निर्धारित स्वयं उस आमदनी को घोषित कर पाएंगे जिसको पूर्व में अपनी विवरणी दाखिल करते समय उन्होंने नहीं दर्शाया था। प्रस्ताव के पूर्ण विवरण वित्त विधेयक में दिए गए हैं। यह स्वैच्छिक कर अनुपालन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर और अधिभार की दर कम की गई। वर्तमान में सहकारी समितियों के लिए अपेक्षित है कि वे 18.5% की दर पर वैकल्पिक न्यूनतम कर का भुगतान करें। हालांकि कंपनियां इस कर का 15% की दर पर भुगतान करती हैं। सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता लाने के लिए मैं सहकारी समितियों के लिए भी इस दर को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की दर भी मौजूदा 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव करती हूं जिनकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है। इससे सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी जो मुख्यतः ग्रामीण और खेती करने वाले समुदायों से आते हैं। दिव्यांगजनों को कर राहत। दिव्यांग व्यक्ति के माता पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा स्कीम ले सकते हैं। वर्तमान कानून में माता पिता या अभिभावक के लिए केवल तभी कटौती करने का प्रावधान है जब दिव्यांग व्यक्ति के लिए अभिधाता यानी माता पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है जब दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता या अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान भी वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान की जरूरत पड़े। मैं इसलिए माता पिता अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान भी यानी माता पिता या अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु
प्राप्त करने पर वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूं। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता। वर्तमान में केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस टियर एक में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14% का योगदान करती है। इसे कर्मचारी के आय की गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया है। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में ऐसी कटौती वेतन के 10% की सीमा तक ही स्वीकृत की गई है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के प्रति समान व्यवहार करने के लिए मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा हितलाभों को बढ़ाने और उन्हें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान लाने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन। स्टार्टअप हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विकास के प्रेरक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश ने कामयाब स्टार्टअप्स की संख्या में कई गुना वृद्धि देखी है। 31/3/2022 से पहले स्थापित पात्र स्टार्टअप्स को निगमन से 10 वर्षों में से 3 क्रमिक वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन दिया गया था। कोविड महामारी को देखते हुए मैं ऐसा कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप्स के निगमन की अवधि और एक वर्ष यानी 31/3/2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करते हूं। नव निगमित विनिर्माण कंपनियों के लिए रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रोत्साहन। कतिपय घरेलू कंपनियों के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी परिवेश कायम करने के लिए हमारी सरकार द्वारा नव निगमित घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर की रियायती कर व्यवस्था लागू की गई थी। मैं धारा 115 ख के अंतर्गत विनिर्माण या उत्पादन के आरंभ करने की अंतिम तिथि को 1 वर्ष यानी 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए स्कीम। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। इन अंतरणों की परिमाण और बारंबारता के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसके लिए एक विशिष्ट कर व्यवस्था का उपबंध किया जाए। तद अनुसार वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए मैं इस बात का उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करती हूं कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30% की दर से कर लिया जाएगा। अधिग्रहण की लागत के सिवाय ऐसी आमदनी का प्रकलन करते समय किसी व्यय या भत्ते के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई हानि किसी अन्य आमदनी के प्रति समंजित नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अंतरण विवरणों को दर्ज करने के लिए मैं वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक मौद्रिक सीमा से अधिक ऐसे प्रतिफल पर 1% की दर से टीडीएस लेने के लिए भी प्रस्ताव करती हूं। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के हाथों में कर लिए जाने का प्रस्ताव है। विभाग द्वारा बारंबार अपील किए जाने से बचने के लिए मुकदमा प्रबंधन। यह पाया गया है कि ऐसी अपीलें दायर करने में बहुत अधिक समय और संसाधन लगता है जिनमें एक जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। चुस्त दुरुस्त मुकदमा प्रबंधन की हमारी नीति को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात का उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करती हूं कि यदि किसी निर्धारित के मामले में
कानून का एक प्रश्न किसी भी मामले में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कानून के प्रश्न के सदृश है तो विभाग द्वारा इस निर्धारित के मामले में आगे अपील दायर करना तब तक के लिए अस्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि वैसे कानून के प्रश्न पर अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय न ले लिया जाए। इससे करदाताओं और विभाग के बीच बारम्बार होने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। आईएफएससी को आगे और बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं एतद द्वारा इस बात का उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूं कि अपतटीय व्युत्पन्नों लिखतों या किसी अपतटीय बैंकिंग यूनिट द्वारा काउंटर पर निर्गत व्युत्पन्नियों से अनिवासी को हुई आमदनी, रॉयल्टी से हुई आमदनी और जहाज को पट्टे पर देने के ब्याज और आईएफएससी में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं से प्राप्त आमदनी विशिष्ट शर्तों के अधीन कर से मुक्त होगी। अधिभार का योक्तिकरण वैश्वीकृत कारोबारी दुनिया में ऐसी अनेक कार्य संविधाएं होती है जिनके निबंधन एवं शर्तों में एक सहायता संघ कंसोर्सियम का गठन किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित होता है। कंसोर्सियम के सदस्य सामान्यतः कंपनियां होती है। ऐसे मामलों में इन एओपी की आमदनी पर 37% तक का श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है जो अलग अलग कंपनियों पर लगाए जाने वाले अधिभार की तुलना से काफी अधिक है। तदनुसार मैं इन एओपी के अधिभार की उच्चतम सीमा 15% निर्धारित करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों यूनिट्स आदि पर दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर 15% का अधिकतम अधिभार देय होता है जबकि अन्य दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है जो 37% तक हो सकता है। मैं किसी प्रकार की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर अधिभार को 15% की उच्चतम सीमा तक निर्धारित करने का प्रस्ताव करती हूं। इस कदम से स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहन मिलेगा और विनिर्माण कंपनियों और स्टार्टअप्स को कर लाभ देने के साथ मेरा यह प्रस्ताव आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है। कारोबारी व्यय के रूप में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के संबंध में स्पष्टीकरण। आयकर कारोबारी आय की संगणना के लिए एक स्वीकार्य व्यय नहीं है, इसमें कर के साथ साथ अधिभार भी शामिल है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर विनिर्दिष्ट शासकीय कल्याणकारी कार्यक्रमों के निधियन के लिए करदाता पर एक अतिरिक्त अधिभार के रूप में अधिरोपित किया जाता है, परंतु कुछ न्यायालयों ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर को कारोबारी व्यय के रूप में स्वीकृत किया है जो विधायी अभिप्राय के विरुद्ध है। विधायी अभिप्राय दोहराने के लिए मैं यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव करते हूं कि आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार या उपकर को कारोबारी व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। कर वंचन की रोकथाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में तलाशी कार्यों में पता लग गए अब अप्रकट आय के संबंध में हानि को आगे ले जाकर संबंधित करने के संबंध में अस्पष्टता है। ये पाया गया है कि अनेक मामलों में जिनमें अप्रकट आमदनी या बिक्री को छिपाने आदि का पता लगता है तो हानि के प्रति समंजन करने के भुगतान से बचा जाता है। निश्चितता लाने और करवंचनों में निवारक भय बढ़ाने के लिए मैं ये उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूं कि तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगे अप्रकट आय के संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देखा गया है कि कारोबार को बढ़ावा देने की कार्यनीति के रूप में कारोबारी प्रतिष्ठानों में अपने एजेंडों को हित लाभ देने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे हित लाभ एजेंटों के हाथों में कर योग्य होते हैं। ऐसे अंतरणों का पता ठिकाना रखने के लिए मैं हित लाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती के लिए उपबंद करने का प्रस्ताव करती हूं, बशर्ते वित्त वर्ष में ऐसे हित लाभों का कुल मूल्य ₹20,000 से अधिक ना हो। कुछ अन्य बदलाव भी किए जा रहे हैं जिनके ब्यौरे वित्त विधेयक में दिए गए हैं। अब आती हूँ अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी में बहुत ही ऐतिहासिक सुधार हुआ है।
और ये भारत की आजादी के बाद में एक ऐतिहासिक सुधार रहा है। बहुत सारी चुनौतियां थी, इन चुनौतियों ने जीएसटी परिषद के मार्गदर्शन एवं निरीक्षण में अत्यंत कुशलतापूर्वक सावधानीपूर्ण पार किया है। अब हम पूरी तरह आईटी चालित और प्रगतिशील जीएसटी व्यवस्था के लिए गौरव का अनुभव करते हैं। इस व्यवस्था में एक बाजार एक कर के भारत के संजोए सपने को साकार किया है। अभी कुछ चुनौतियां शेष हैं और हम आने वाले वर्ष में उनका निवारण करने की उम्मीद करते हैं। सुविधा उपलब्ध कराने और प्रवर्तन के बीच सही संतुलन ने उल्लेखनीय रूप से बेहतर अनुपालन संभव किया है। महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है। ये मेरे भाषण का भाग नहीं है जो आज सुबह ही पता चला है, यह सबके ज्ञान के लिए बताना चाहूंगी, मैं इस सभा के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि सकल जीएसटी संग्रहण जनवरी 2022 के लिए 1.40 लाख करोड़ रहा है, जो अधिकतम है अब तक का जीएसटी के लागू होने के बाद में, ये सबसे ज्यादा रहा है। ये संभव हुआ है क्योंकि हमारी तेजी से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है कोविड के बाद में। ये संभव हुआ है क्योंकि हमारी बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही है कोविड के बाद में, और बहुत ही बेहतर प्रशासन हमारा रहा है। केंद्र और राज्यों के द्वारा बेहतर कर प्रशासन के कारण संभव हो पाया है, और इसके लिए जो करदाता है उसके लिए बहुत अच्छा उन्होंने योगदान दिया है। ऐसी जेड पर आती हूं मैं। अपने भाषण के भाग क में मैंने विशेष आर्थिक जोन में प्रस्तावित सुधारों की बात कही है, साथ ही साथ हम विशेष आर्थिक जोन के सीमा शुल्क प्रशासन में भी सुधार करेंगे और अब से ये पूरी तरह आईटी चालित होगा और बेहतर सुविधा दिए जाने के साथ साथ और जोखिम आधारित जांच के साथ सीमा शुल्क के राष्ट्रीय पोर्टल पर कार्य करेगा। इससे विशेष आर्थिक जोन इकाइयों द्वारा कारोबार करने में सहजता आएगी और ये सुधार 30 सितंबर 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा। सीमा शुल्क सुधार एवं शुल्क दर में परिवर्तन। सीमा शुल्क प्रशासन ने कालांतर में उदारीकृत प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के समावेशन के माध्यम से अपने आप को नए रूप से प्रस्तुत किया गया है। फेसलेस सीमा शुल्क पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया है। कोविड 19 महामारी के दौरान सीमा शुल्क संगठनों ने चपलता और संकल्प प्रदर्शित करते हुए सभी मुश्किलों के प्रति असाधारण फ्रंटलाइन कार्य किया है। सीमा शुल्क सुधार ने घरेलू क्षमता निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को समान अवसर मुहैया किया है। कच्चे माल की आपूर्ति की कठिनाइयों को आसान किया है। कारोबार करने की सहजता को बढ़ाया है और अन्य नीतिगत पहल जैसे कि पीएलआई और चरणबद्ध विनिर्माण योजनाओं के लिए सुविधा प्रदाता बना है। सीमा शुल्क के संबंध में मेरे प्रस्ताव उद्देश्य के अनुरूप हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा और बेहतर आर्थिक स्थितियां बनेंगी। पिछले विभिन्न जो क्षेत्र हैं राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति के लिए विद्युत उर्वरक कपड़ा चमड़ा फुटवेयर फूड प्रोसेसिंग में पूंजीगत वस्तुओं के लिए कई शुल्कगत छूट दी गई हैं। कुछ मामलों में ये छूट 3 दशकों से अधिक समय तक दी गई हैं। इन छूटों ने घरेलू पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के विकास को बाधित किया है। इसी तरह परियोजनागत आयात शुल्क रियायतों ने कोयला खनन परियोजनाओं विद्युत उत्पादन पारेषण वितरण परियोजनाओं रेल एवं मेट्रो परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों के लेवल प्लेइंग फील्ड से
भी वंचित किया गया है। हमारे अनुभव से यह संकेत मिलता है कि तर्कसंगत प्रशुल्क अनिवार्य आयातों की लागत पर खासकर असर डाले गए घरेलू और उद्योग और मेक इन इंडिया के विकास के अनुरूप हैं। तदनुसार पूंजीगत वस्तुओं परियोजनागत आयतों में रियायती दरों के क्रमिक रूप से हटाने और 7.5% का साधारण प्रशुल्क अधिरोपित करने का प्रस्ताव है। ये उन्नत मशीनरों के लिए कतिपय छूट बनी रहेगी जिनका देश के भीतर ही विनिर्माण किया जाता है। पिछले दो बजटों में हमने सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया है। हमने एक बार फिर व्यापक विचार विमर्श किया है जिसमें क्राउडसोर्सिंग के माध्यम से किया गया विमर्श भी शामिल है। इन विमर्शों के परिणाम स्वरूप 350 से अधिक छूट प्रविष्टियों को धीरे धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें कतिपय कृषि उत्पाद, रसायन वस्त्र, मेडिकल उपकरण और ड्रग्स एवं औषधियां शामिल हैं जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। आगे एक सरलीकरण उपाय के रूप में कई रियायती दरें इन्हें विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से विहित करने के बजाय सीमा प्रशुल्क अनुसूची में ही समाविष्ट की जा रही हैं। इस व्यापक समीक्षा से सीमा शुल्क दर और प्रशुल्क संरचना विशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए सरल हो जाएगी और विवाद कम से कम होगा। जो वस्तुएं भारत में विनिर्मित नहीं की जाती हैं या की जा सकती हैं उनके लिए छूट हटाने से और अधिनिर्मित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर रियायती शुल्क लगाने में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे लक्ष्य को हासिल करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। हम आती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है। श्रेणीबद्ध दर संरचना मुहैया कराने के लिए सीमा शुल्क की दरों में आंशिक संशोधन किया जा रहा है ताकि पहनने योग्य उपकरणों, श्रवण उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटरों को घरेलू विनिर्माण की सहूलियत दी जा सके। मोबाइल फोन चार्जरों के ट्रांसफार्मर और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और कतिपय अन्य वस्तुओं के कलपुर्जों के लिए शुल्क में रियायतें दी जा रही हैं। इनमें से अधिक बढ़ोतरी वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण घरेलू विनिर्माण संभव हो पाएगा। रत्न और आभूषण पर आती हूँ। रत्न एवं आभूषण को बढ़ावा देने के लिए काटे गए तराशे गए हीरे एवं रत्न पत्रों पर सीमा शुल्क 5% किया जा रहा है। सिर्फ काटे गए हीरों पर शुल्क शून्य लगेगा। ई कॉमर्स के माध्यम से आभूषण के निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क इस साल के जून तक क्रियान्वित किया जाएगा। अल्प मूल्यांकित इमिटेशन आभूषण के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इमिटेशन आभूषण पर सीमा शुल्क को इस तरह निर्धारित किया जा रहा है कि इसके निर्यात पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क अदा किया जाए। कतिपय अत्यंत महत्वपूर्ण रसायन आमतौर मेथेनॉल, एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए हैवी फीड स्टॉक पर सीमा शुल्क कम किया जा रहा है जबकि सोडियम साइनाइड पर शुल्क बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। इन बदलावों से घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने में मिलेगी। एमएसएमई पर आती हूँ। छातों पर शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। छातों के कल पुर्जों की छूट वापस ली जा रही है। कृषि क्षेत्र के लिए भी उन औजारों और साधनों पर छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है जो भारत में विनिर्मित की जाती हैं। पिछले वर्ष इस्पात स्क्रैप को दी गई सीमा शुल्क को एक और वर्ष के लिए दी जा रही है ताकि एमएसएमई के द्वितीयक इस्पात उत्पादों को राहत मिल सके। स्टेनलेस स्टील और कोटेड स्टील फ्लैट उत्पादों, मिश्रित इस्पात की छड़ और हाई स्पीड स्टील पर कतिपय डंपिंग रोधी और सीवीडी को धातुओं की मौजूद उच्च कीमत को देखते हुए व्यापक लोकहित में समाप्त किया जा रहा है। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वस्तुओं जैसे सजावटी सामान, ट्रिमिंग, फास्टनर्स, बटन, जिपर, लाइनिंग सामग्री, विनिर्देश चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग्स और पैकेजिंग बॉक्स
जिनकी हस्तशिल्प कपड़े और चर्म परिधानों, लेदर फुटवियर और अन्य वस्तुओं के वास्तविक निर्यातकों को जरूरत पड़ सकती है पर छूट दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, झींगी जलीय खेती के लिए अपेक्षित कतिपय निविष्टियों पर शुल्क घटाया जा रहा है ताकि इसमें निर्यात को बढ़ाया जा सके। ईंधन का सम्मिश्रण इस सरकार की एक प्राथमिकता है। ईंधन के सम्मिश्रण के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए असम्मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से दो रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा। शुल्क दरों, सीमा शुल्क, प्रशुल्क और सीमा शुल्क कानून में कुछ अन्य बदलाव किए जा रहे हैं जिनके बारे में वित्त विधेयक में दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये विधेयक इस सभा को समर्पित करते हूँ। आइटम नंबर 2, मत संख्या 2, निर्मला सीतारमन जी। सर, विद योर परमिशन, महोदय आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर निम्नलिखित दो वित्तीय जवाबदेही है और बजट प्रबंधन FRBM के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ। एक वक्तव्य है, एक लघु फ्रेमवर्क के बारे में, फ्रेमवर्क के संबंधित। आइटम नंबर मत संख्या 3, वित्तीय विधेयक। आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूँ कि इस वित्त विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए। एक ही वित्त विधेयक को प्रस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में, माननीय मंत्री जी वित्त विधेयक को प्रस्तापित करें। सर, इंट्रोड्यूस द बिल। मैं विधेयक प्रस्तापित करती हूँ। सभा की कार्यवाही कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।